हलचल में आपका स्वागत है। तो आइए नजर डालते हैं नागपुर की विविध हलचल पर। हाल ही में आगरा के एक होटल में स्वयंसेवी संस्था खुशी चैरिटेबल फाउंडेशन की ओर से मिस एंड मिसेज यूनिवर्स सीजन 3 का आयोजन हुआ। रौनक सोलंकी द्वारा आयोजित इस इवेंट में कुल 24 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, जिसमें नागपुर की सोनाली वर्मा को मिसेज इंडिया 2022 का ताज पहनाया गया। इससे पहले भी सोनाली वर्मा दिल्ली में आयोजित फैशन शो मलिका ए ताज की रनर अप रह चुकी है। अन्य इवेंट्स में भी उनका बेहतरीन प्रदर्शन रहा है। नागपुर के हनी बीस लेडीज क्लब की निदेशक सोनाली वर्मा ने अपनी इस जीत का श्रेय उनकी महिला सहकर्मियों एवं परिजनों को दिया है। होली और शबे बारात एक ही दिन होने के कारण पुलिस फोर्स का टेंशन काफी हद तक बढ़ गया है। शुक्रवार को होली के दौरान श्रद्धालु मस्जिदों पर नमाज पढ़ने जाएंगे, ऐसे में कोई वाद विवाद या अप्रिय घटना न हो इसके लिए पुलिस ने अपनी कमर कस ली है। बुधवार को पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार और जॉइंट सीपी अश्वती दोरजे की उपस्थिति में केंद्रीय शांतता समिति के सदस्यों की बैठक हुई। सभी सदस्यों ने अधिकारियों को विश्वास दिलाया कि शहर में कोई अप्रिय घटना नहीं होगी। सीपी ने चर्चा में बताया कि होली के दिन पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों की साप्ताहिक छुट्टी रद्द कर दी गई है। हमें विश्वास है कि शहर में कोई अप्रिय घटना नहीं होगी, लेकिन सुबह से लोग होली मनाएंगे, दोपहर को नमाज अदा की जाएगी, शाम से रात तक शबे बारात का कार्यक्रम चलेगा, इसलिए 3 चरणों में बंदोबस्त किया जा रहा है। ज्यादा कर्मचारियों की आवश्यकता होगी। 4,000 कर्मचारियों के साथ शहर के सभी अधिकारी फील्ड पर तैनात रहेंगे। पुलिस ने पिछले 11 वर्षों का रिकॉर्ड भी खंगाला है। होली के दौरान विवाद, मारपीट और असामाजिक गतिविधियों में पकड़े गए करीब 150 लोगों की सूची बनाई गई है और ऐसे लोगों पर विशेष नजर रखी जाएगी। महाराष्ट्र प्रदेश युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पद के चुनाव में 5 लाख से ज्यादा वोट हासिल करने वाले कुणाल राउत को आज प्रदेश युवा कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित घोषित किया गया है। अखिल भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी द्वारा इस संबंध में जारी प्रेस रिलीज के माध्यम से यह घोषणा की गई है। युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में कुणाल राउत के चुनाव की घोषणा के साथ ही पूरे राज्य और नागपुर में कांग्रेस में खुशी का माहौल है। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पटाखे चलाकर और मिठाइयां बांटकर जश्न मनाया। युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए हुए चुनाव में कुणाल राउत का अच्छा प्रदर्शन रहा। 14 उम्मीदवारों को शिकस्त देते हुए राउत ने 5 लाख से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की थी। उनकी नियुक्ति की औपचारिक घोषणा ही रह गई थी। चुनाव में कुणाल राउत को सबसे ज्यादा 5,48,000 वोट मिले थे। उनके प्रतिद्वंदी शिवराज मोरे को 3,80,000 वोट मिले, जबकि शरण बसवराज पाटिल को 2,40,000 वोट मिले। कुणाल राउत ऊर्जा मंत्री डॉक्टर नितिन राउत के पुत्र है। कुणाल ने एक युवा नेता के रूप में राजनीति में रुचि लेना शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा को ऐतिहासिक जीत मिली है। इनमें गोवा की जीत का श्रेय महाराष्ट्र विधानसभा में प्रतिपक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस को जाता है। गोवा विधानसभा चुनाव के प्रभारी देवेंद्र फडणवीस को इस जीत के सूत्रधार बताते हुए प्रदेश प्रवक्ता पैनलिस्ट चंदन गोस्वामी ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों ने उनके आज नागपुर आगमन पर उनका जंगी स्वागत करने का निर्णय लिया है। गोवा के चुनाव प्रभारी बनने के बाद प्रथम नगर आगमन पर भाजपा जिला व महानगर द्वारा संयुक्त रूप से आज हवाई अड्डे पर उनका जंगी स्वागत किया जाएगा। हवाई अड्डे पर स्थित डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण के पश्चात डॉक्टर हेडगेवार चौक से रेडिसन ब्लू चौक तक रैली निकाली जाएगी। रेडिसन ब्लू चौक पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की विशेष उपस्थिति में बड़ी सभा का आयोजन किया गया है, जिसमें फडणवीस का जंगी सत्कार किया जाएगा। इस अवसर पर सांसद डॉक्टर विकास महात्मे, पूर्व सांसद अजय संचेती, प्रदेश महामंत्री चंद्रशेखर बावनकुले, शहर अध्यक्ष प्रवीण दटके, जिलाध्यक्ष अरविंद गजबिये के अलावा सैकड़ों कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे। शहर अध्यक्ष प्रवीण दटके ने सभी से इस रैली में शामिल होने का आह्वान किया है। महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने टोयोटा मोबिलिटी फाउंडेशन और वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट इंडिया रॉस सेंटर के सहयोग से बुधवार को नागपुर में स्टेशन एक्सेस एंड मोबिलिटी प्रोग्राम का संयुक्त रूप से शुभारंभ किया। टीएमएफ और डब्ल्यूआरआई इंडिया रॉस सेंटर के नेतृत्व में स्टंप एक ऐसा उपक्रम है जो मेट्रो स्टेशन तक पहुंचने में सुधार लाने के लिए एवं परिवहन व्यवस्था के व्यापक मल्टीमॉडल एकीकरण को सक्षम करने के लिए मेट्रो एजेंसियों के साथ काम करती है। दरअसल स्टंप उपक्रम के अंतर्गत आने वाला नागपुर छठा शहर है। इसे हाल ही में पुणे में भी सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। एक विशेष मॉडल के माध्यम से स्टंप नागपुर के तमाम ऑपरेटर्स के साथ जुड़ जाएगा और चयनित लोगों के यातायात का संचालन करने के लिए बेहतर मेट्रो कनेक्टिविटी को सक्षम करेगा। यह यात्रियों को अधिक प्रभावी ढंग से जोड़ने में मददगार साबित होगा। विभिन्न डेटा सेंटरों का लाभ उठाकर यात्रियों की मेट्रो स्टेशनों तक कनेक्टिविटी में सुधार लाना भी कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्यों में से एक है।
स्तंभ सुगम आवागमन सुनिश्चित करने के लिए और यात्रियों की मेट्रो स्टेशन तक बेहतर पहुंच के लिए मददगार साबित होगा। इस आशय के विचार मेट्रो अधिकारियों ने व्यक्त किए। सिंध की पावन धरती आर्यों का मुख्य स्थल रही है। सर्वगुण संपन्न पवित्र सिंधु नदी इसका मुख्य आकर्षण रही है। सांप्रदायिक सद्भावना के प्रवर्तक श्री झूलेलाल अधर्म पर धर्म की जीत के प्रतीक है। सन 950 ईस्वी में उन्होंने मीरक शाह के जुल्मों से सिंधी समुदाय को बचाने के लिए सिंधु नदी के जल से अवतार लिया था। यही कारण है कि सिंधी समाज के लोग उनकी पावन जयंती पर विशाल चेटरीचंद महोत्सव आयोजित करते हैं। सिंधु संस्कृति का अमर पर्व एक नई उमंग, नया उत्साह और नई चेतना लाता है। इस अवसर पर हर्षोल्लास के वातावरण में गीत, संगीत, नृत्य एवं नाटकों द्वारा सिंधी संस्कृति का संवर्धन किया जाता है। सिंधियों के लोक नृत्य छेज का प्रदर्शन भी किया जाता है। चेटरीचंद महोत्सव इष्टदेव झूलेलाल का जन्म दिवस पहले एक पर्व के रूप में मनाया जाता था। कालांतर में इसे सिंधियत दिवस के रूप में मनाया जाने लगा है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी सिंधी समाज का प्रतिनिधित्व करने वाली राष्ट्रीय संस्था भारतीय सिंधु सभा की नागपुर शाखा द्वारा भगवान इष्टदेव झूलेलाल के 1072वें जन्मोत्सव के अवसर पर आगामी 2, 3 एवं 4 अप्रैल 2022 को दयानंद पार्क मैदान में भव्य चेटरीचंद महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। हाल ही में मंडल रेल प्रबंधक ऋचा खरे ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर नागपुर मंडल की 43 ग्रुप सी और डी श्रेणी के महिला कर्मचारियों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पुरस्कार प्रदान किए। कैरिज और वैगन, लेखा, वाणिज्य, टीआरओ, टीआरएस, परिचालन, एसएनटी, इलेक्ट्रिकल जनरल, निर्माण, इंजीनियरिंग और सीडीएसओ, यह तमाम विभागों में से 3 महिलाएं और चिकित्सा, स्टोर एवं कार्मिक विभाग से 2 महिलाएं और 4 महिला आरपीएफ स्टाफ को इस अवसर पर सम्मानित किया गया। महिला आरपीएफ स्टाफ सदस्यों ने मेरी सहेली अभियान में उत्कृष्ट कार्य किया है और चोरों से रेलवे की संपत्ति बरामद की, वर्जित सामान भी बरामद किया है, घर से भागे हुए बच्चों को उनके माता पिता से मिलाया और आत्महत्या करने जा रही महिलाओं को बचाया और उन्हें सांत्वना दी और जीवन की मुसीबतों से लड़ना सिखाया। मंडल रेलवे अस्पताल में नर्सिंग अधीक्षक ने बिना किसी शिकायत के कोविड-19 महामारी के दौरान बहुत अच्छा काम किया। कोरोना काल में पीआरएस नागपुर की आरक्षण पर्यवेक्षक ने नागपुर स्टेशन पर श्रमिक स्पेशल में बिना किसी डर से भोजन वितरित किया। स्टोर विभाग में महिलाओं ने 156 आरटीआई मामलों का निपटारा किया। सुरक्षा विभाग की महिला कर्मचारियों ने सीआरएस, सीएसओ और आपदा प्रबंधन पुस्तिकाओं को अपडेट किया। वाड़ी के निकट कमलानगर मंदिर परिसर स्थित सामाजिक संस्था संस्कृति बहुउद्देशीय महिला मंडल ने शनिवार को भारत रत्न एवं स्वर कोकिला स्वर्गीय लता मंगेशकर व प्रख्यात समाज सेविका सिंधुताई सपकाल के स्मृति में महिलाओं के लिए एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया था। बड़ी संख्या में महिलाओं ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस समारोह का उद्घाटन मनपा की पूर्व पार्षद डॉक्टर परिणीता फुके, वाड़ी पुलिस स्टेशन की वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक ललिता तोड़ासे के हाथों व विशेष अतिथि संयोजक अनिता मिश्रा, प्रेरणा सूर्यवंशी की उपस्थिति में महिला शिक्षा की प्रणेता सावित्रीबाई फुले व राजमाता माँ जिजाऊ के छायाचित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलन कर किया गया। इन अतिथियों के साथ मंच पर उपस्थित डॉक्टर अमिता वंजारी, प्राचार्य स्वाति ठाकुर का महिला मंडल के पदाधिकारियों ने स्वागत किया। प्रस्तावना में कार्यक्रम आयोजक अमिता मिश्रा ने कहा कि इन दोनों महान महिला विभूति के कार्य का स्मरण हेतु इस कार्यक्रम के आयोजन किया गया है। इसके पश्चात प्रमुख अतिथि पुलिस निरीक्षक ललिता तोड़ासे ने सभी महिलाओं को बदलते समय के अनुसार जागरूक होने का आग्रह करते हुए अपनी जिम्मेदारियों के प्रति सतर्क रहने के महत्व पर प्रकाश डाला। भारतीय संविधान में दिए गए अधिकारों से एवं खुद की काबिलियत से आज की महिलाएं सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रही है। सदगुरु शहनशाह स्वामी चांदूराम साहिब की कृपा से मानव स्वास्थ्य के कल्याणार्थ योग संपदा व स्वामी चांदूराम साहिब मुक्तिधाम ट्रस्ट के संयुक्त रूप से जीवन रक्षक योगशाला का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता साधना सहकारी बैंक के अध्यक्ष घनश्यामदास कुकरेजा ने की। बतौर मुख्य अतिथि गण के रूप में डॉक्टर गुरमुख ममतानी, स्वामी मुक्तिधाम ट्रस्ट के अध्यक्ष आवतराम चावला, सचिव मोटाराम चेलवानी, सदस्य पी डी केवल रामानी, योग संपदा के सचिव चंद्रकुमार नरवड़िया मंच पर विराजमान थे। कार्यक्रम संयोजक चंद्रकुमार टिकचंदानी के अनुसार सर्वप्रथम अतिथियों ने योग गुरु जनार्दन स्वामी, योग गुरु वामनराव मुटघरे, सद्गुरु शहनशाह स्वामी चांदूराम साहिब, शिरोमणि खिलूराम साहिब की तस्वीरों पर माल्यार्पण कर अभिवादन किया। कार्यक्रम के प्रास्ताविक भाषण में संयोजक योग गुरु चंद्रकुमार टेकचंदानी ने योग साधना को सर्वोत्कृष्ट साधना बताया, जिससे आत्मिक, आध्यात्मिक, मानसिक, शारीरिक व सामाजिक लाभ पाकर मानव व्यक्तित्व का अद्भुत विकास होता है। आवतराम चावला, मोटाराम चेलवानी ने शुभकामनाएं दी।
डॉक्टर गुरुमुख ममतानी ने योग के महत्व पर प्रकाश डाला। अध्यक्षीय संबोधन में घनश्याम दास कुकरेजा ने मुक्तिधाम के परिसर में आयोजित पुनित कार्य को स्वास्थ्य हितकारी बताया। आयोजन को सफल बनाने में राजीव ज्ञानचंदानी, गोपाल केसवानी व स्वामी चांदूराम साहेब, मुक्तिधाम ट्रस्ट के सभी सेवादारों ने अहम भूमिका निभाई। राज्य सरकार की ओर से कोवैक्सीन और कोविशील्ड टीके का पर्याप्त स्टॉक प्राप्त होने के कारण 18 प्लस और 45 प्लस आयु वर्ग के सभी नागरिकों का टीकाकरण नागपुर महानगर पालिका के साथ साथ सरकारी केंद्रों पर आज शाम के 4 बजे तक टीकाकरण होने वाला है। इस आयु वर्ग के नागरिकों को कोविशील्ड टीका निःशुल्क दिया जाएगा। मनपा की ओर से बड़े पैमाने पर नागरिकों को टीका लगवाने का आह्वान किया जा रहा है। पहला डोज, दूसरा डोज और इसी तरह पात्र नागरिकों के लिए बूस्टर डोज लेने के लिए टीके पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। इसी तरह 15 प्लस आयु वर्ग के नागरिकों के लिए कोवैक्सीन टीके का स्टॉक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो चुका है। टीकाकरण के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीकों से पंजीकरण किया जा सकता है। यह जानकारी मनपा के स्वास्थ्य विभाग की ओर से दी गई है। इसी तरह ग्लोबल मॉल बर्डी में ड्राइव इन वैक्सीनेशन केंद्रों पर भी सभी नागरिकों के लिए टीकाकरण शाम के 4 बजे तक किया जाएगा। यह जानकारी चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर बहिरवार ने दी है। होली के त्योहार के अवसर पर आज शाम 8 बजे से लेकर कल पूरे दिन तक शहर में बस सेवा बंद रहेगी। शनिवार सुबह 6 बजे से फिर से पहले की तरह बस यातायात नियमित रूप से जारी रहेगी। ये जानकारी नागपुर महानगर पालिका के परिवहन विभाग के अधिकारियों ने दी है। नागपुर महानगर पालिका के परिवहन विभाग के अधिकारियों ने इस अवधि के दौरान नागरिकों से यातायात के दूसरे साधनों का इस्तेमाल करने और शराब या अन्य नशीली पदार्थों का सेवन न करते हुए वाहन चलाने तथा सुरक्षित तरीके से होली मनाने की सलाह दी है। केंद्र सरकार और महाराष्ट्र सरकार के निर्देशानुसार आज से नागपुर शहर में 12 से 14 साल के बच्चों को कॉर्बेवैक्स वैक्सीन दिया जाएगा। शहर के 15 सरकारी एवं मनपा केंद्रों पर टीकाकरण की व्यवस्था की गई है। अपर आयुक्त राम जोशी ने कहा, हाल ही में राज्य सरकार को कॉर्बेवैक्स वैक्सीन का स्टॉक प्राप्त हुआ, जिसके पश्चात राज्य के तमाम मनपा प्रशासनों को भी बुधवार को स्टॉक उपलब्ध कराई गई। 1 जनवरी 2008 से 17 मार्च 2010 के बीच जन्मे बच्चों को शहर के 17 सरकारी और मनपा केंद्रों में ये वैक्सीन लगाया जाएगा। इसके लिए उन्हें अपना आधार कार्ड या स्कूल पहचान पत्र बर्थ सर्टिफिकेट के साथ लाना होगा। नागपुर महानगर पालिका के उपद्रव खोजी दल ने बुधवार को धर्मपेट जोन के अंतर्गत वेस्ट हाईकोर्ट रोड सुदामा टॉकीज के निकट स्थित होटल के प्रशासन से होटल के सामने कचरा डालने के कारण 20,000 रुपए का जुर्माना वसूला। इसी तरह धंतोली पत्रकार भवन के सामने आंचल फर्नीचर और कांग्रेस नगर में राहुल सर अकेडमी के खिलाफ होर्डिंग लगाने के चलते 10,000 रुपए का जुर्माना वसूल किया गया। कुल मिलाकर उपद्रव खोजी दल ने बुधवार को 5 प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई कर 40,000 रुपए का जुर्माना वसूला। मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी के निर्देश अनुसार और एनडीएस प्रमुख विरसन तांबे के मार्गदर्शन में ये कार्रवाई की गई। शहर की बढ़ती आबादी, तेजी से हो रहे विकास और उसमें बढ़ रहे इमारतों की ऊंचाई को देखते हुए उनकी सुरक्षा के लिए एक विशेष सिस्टम अमल में लाना बेहद जरूरी है। इस संबंध में 32 मीटर हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म, फिनलैंड में बनी एक अत्याधुनिक ब्रांटोस्काई लिफ्ट मशीन का लोकार्पण किया गया। इस प्लेटफॉर्म को फायर ब्रिगेड में शामिल किया गया है और सुरक्षा की दृष्टिकोण से यह अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी ने लोकार्पण के अवसर पर कहा, 32 मीटर ऊंचाई वाला ये प्लेटफॉर्म शहर के नागरिकों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से बहुत उपयोगी है। बुधवार को मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी ने इस प्लेटफॉर्म को फायर ब्रिगेड में शामिल करने की अनुमति दी। इस अवसर पर अतिरिक्त आयुक्त राम जोशी, सहायक आयुक्त महेश धामेचा, मुख्य अग्निशमन अधिकारी राजेंद्र उके, तुषार बरहते, अभियंता राजेश गुरनुले आदि मान्यवर उपस्थित थे। मशीन की कार्यप्रणाली जानने के लिए मनपा आयुक्त खुद प्लेटफॉर्म में खड़े होकर निगम के प्रशासनिक भवन की 7वीं मंजिल पर पहुंचे। मेट्रो और अन्य प्रकल्पों के चलते शहर में हो रहे विकास के कारण शहर में इमारतों की अधिकतम ऊंचाई जो पहले 15 मीटर हुआ करती थी, उसे अब बढ़ाकर 24 मीटर कर दी गई है। झिंगाबाई टाकली फारस गेट के पास में बंधुनगर स्थित हनुमान मंदिर में अखंड भारत विचार मंच व समस्त धर्म प्रेमी नागरिकों के सहयोग से रामलीला का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम 26 मार्च तक चलने वाला है। इसमें विंध्याचल से धर्म प्रचारक रामलीला मंडल द्वारा प्रवीण दुबे के नेतृत्व में प्रतिदिन श्री रामचरित मानस पर आधारित रामलीला का मंचन किया जा रहा है। सभी कलाकार भाग ले रहे हैं। रामलीला का समय प्रतिदिन शाम को 7 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक होगा। मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज कुमार सिंह ने सभी से आह्वान किया है कि वे रामलीला का लाभ लें। रामलीला कार्यक्रम की सफलता के लिए विशेष रूप से विनोद ढोबले, मनीष नवल, अनिल तिवारी, जून घरे, नीलेश सुप्रेटकर, लोक नारायण पांडे, राम मिश्रा, दीपक पांडे, अजय मोहबे, ऋषभ तिवारी तथा आसपास के सभी धर्म प्रेमी युवा प्रयासरत है।
ट्रैफिक पुलिस ने मोटर वाहन अधिनियम के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत कुल मिलाकर 3,162 वाहन चालकों पर कार्रवाई की और उनसे कुल मिलाकर 3,67,000 रुपए का जुर्माना वसूला। इसी तरह मुंबई शराबबंदी अधिनियम के अंतर्गत 30 मामलों में 31 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और उनसे 5,68,000 रुपए का सामान जब्त किया गया। इसके अलावा जुआ अधिनियम के अंतर्गत 2 मामलों में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और उनसे 2,400 रुपए का जुर्माना वसूला गया। उपरोक्त सभी ऑपरेशन संयुक्त रूप से नागपुर सिटी पुलिस द्वारा किए गए। ट्रैफिक विभाग ने आह्वान किया है कि नागरिक वाहन चलाते समय वाहन से संबंधित सभी दस्तावेज अपने पास रखे। धारस्कर रोड इतवारी में भगवान श्री वेंकटेश बालाजी का फाग उत्सव केसर केवड़ा गुलाब संघ व राधा कृष्ण चंग मंडल संघ आज शाम 5 बजे से लेकर 6:30 बजे तक मनाया जाएगा। मंदिर प्रशासन ने सभी भक्तों से अनुरोध किया है कि वे चंग की धुन पर फाग गीत का आनंद लें। शाम को आरती के पश्चात श्रद्धालुओं में ठंडाई एवं प्रसाद का वितरण किया जाएगा। हाल ही में लहू सेना ने विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाली महिलाओं के साथ साथ मातंग समुदाय के डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, नर्स, कामकाजी महिलाओं और छात्रों को सम्मानित किया। सत्कार समारोह का उद्घाटन नगर सेविका डॉक्टर परिणीता फुके और लहू सेना के अध्यक्ष संध्या कथाले ने किया। मुख्य अतिथि के तौर पर भारती कामले, अर्शिया पठान, तृप्ति बोरकुटे, डॉक्टर सुषमा पंकुले, सुचिता कामले, कविता इंगले, डॉक्टर चंदा वानखेड़े, शुभांगी गायकवाड़ उपस्थित थे। अपने भाषण में संध्या कथाले ने कहा कि ये कर्तव्य परायण परिश्रमी महिलाओं और हाईस्कूल की छात्राओं का सम्मान है। लहू सेना प्रमुख संजय कथाले ने परिचयात्मक भाषण दिया। गणेश सालवे और रविंद्र खड़से ने धन्यवाद प्रस्ताव रखा। कार्यक्रम के सफलतार मुरलीधर रखम, अशोक खड़से, महेंद्र प्रधान, डॉक्टर पल्लवी प्रधान, सागर जाधव, राजू सालवे, यश कथाले, प्रज्ञा खंडारे, माहेश्वरी, धनशी निखाड़े, किरण हिवराले आदि ने परिश्रम किया। सिंधी समाज में आपसी सहयार्थ, भाईचारा, प्रेम बढ़ाने के लिए मीठे रसीले व्यंजन गीहर के आदान प्रदान का सिलसिला अनादिकाल से चलता आया है। व्यापारियों के अनुसार इस वर्ष सीजन के आरंभ होते ही और महामारी का प्रभाव कम होते ही गीहर की बिक्री अच्छी हो रही है। शहर में मुख्य रूप से जरीपटका, खामला, शांतिनगर सहित हीरा स्वीट्स, हल्दीराम के आउटलेट्स पर ये रसीला और स्वादिष्ट व्यंजन उपलब्ध रहता है। पवन चौपी के संचालक पवन देवन जेठानी ने बताया कि गीहर के अलावा होली पर मीठे समोसे, प्रगिडी, कचौड़ी, ड्राई फ्रूट मिठाई भी काफी पसंद की जाती है। गीहर विक्रेता विजय आशीष गुरुमुखदास गुलानी ने बताया कि मजेदार व्यंजन गीहर लोगों के दिलों में मिठास घोल रही है। गुलानी के अनुसार गीहर मीठे समोसे काफी पसंद किए जाते हैं। बढ़ती गर्मी के दौर में राज्य में बिजली की मांग लगातार बढ़ रही है। मंगलवार 15 मार्च को महावितरण ने अब तक की सबसे अधिक मांग को मद्देनजर रखते हुए मुंबई विभाग को छोड़कर शेष राज्य में सर्वाधिक बिजली आपूर्ति किए जाने का रिकॉर्ड दर्ज किया है। महावितरण ने 23,605 मेगावाट बिजली की आपूर्ति सुचारू और निर्बाध रूप से की है। उसी दिन मुंबई समेत राज्य में 27,212 मेगावाट बिजली की मांग दर्ज की गई। विशेष रूप से पिछले एक महीने में बिजली की बढ़ती मांग का इतिहास रहा है। इससे पहले 19 फरवरी को महावितरण ने मांग के अनुसार सबसे अधिक 23,286 मेगावाट की आपूर्ति की थी। इससे पहले 8 फरवरी को 23,000 और 12 फरवरी को मांग के अनुरूप 23,163 मेगावाट की रिकॉर्ड बिजली आपूर्ति की गई। राज्य में पिछले कुछ दिनों से लू चल रही है, इसलिए बिजली की मांग भी लगातार बढ़ रही है। वर्तमान में महावितरण में बिजली की मांग 23,000 से 23,500 मेगावाट के बीच है। हालांकि बढ़ते तापमान के कारण अगले कुछ दिनों में मांग 24,000 मेगावाट तक बढ़ने की भी संभावना है। तो नागपुर हलचल में आज इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए वीके वी न्यूज़। नमस्कार।